हरपाल कौर जी कांग्रेस पार्टी तो जेतू करार हो चुके ने, उन्होंने 673 वोटा पईआं ने, 198 वोटा तो जिते ने। जे गल की जाए वार्ड नंबर दो दी, वार्ड नंबर दो तो अकाली दल तो जगविंदर सिंह जी 462 वोटा पईआं टोटल, तां 70 वोटा नाल जेतू होए ने। जिदा ही होर अपडेट्स आंदे असीं तुहाडे नाल सांझे करदे रहांगे। धन्नवाद, सति श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। अज थोनू दस रहे हूं वार्ड नंबर 3 ते 4 दी जिहड़ी काउंटिंग चल रही सी वार्डां दी, उहदा रिजल्ट आ चुके है। ते वार्ड नंबर 3 तो नवजोत कौर जिहड़े इंडियन नैशनल कांग्रेस दे कैंडीडेट सीगे, 329 इन्हां नूं वोटां पईआं ने ते इह 117 वोटां तों जीतू करार होए ने। ते वार्ड नंबर 4 तों जी मोनिया जी इंडियन नैशनल कांग्रेस तों इन्हां नूं 466 वोटां पईआं ने, 180 वोटां तों इह जीतू करार दित्ते गए ने। ते 5 ते 6 वार्ड दे कैंडीडेट नूं बुला लिया गया, उन्हां दी जिहड़ी काउंटिंग है उह जारी है। जिवें ही रिजल्ट आंदा है सब तों पहलां तुहानूं अहमदगढ़ लाइव ते दस्सिया जावेगा। धन्नवाद जी। वोटां जीतू ने, सति श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। जिदा कि तुहानूं पता ही है कि इस वेले असीं अहमदगढ़ के गांधी स्कूल च मौजूद हाँ, जिथों तुहानूं असीं हर वार्ड का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। जे गल की जाए वार्ड नंबर 5 का फाइनल रिजल्ट आ चुकिया वा, जिथों जसविंदर शर्मा जी 320 वोटों तो जीतू ने, जिहड़े कि दीपक शर्मा जी दे वाइफ ने। असीं गल करांगे दीपक शर्मा जी नाल, इत्थे ने दीपक सिर जित दा सिरा पाया सारे जी, इन्हां दे वाइफ सीगे कैंडीडेट जो कि पूरा खुश नेगे। तो इदा के होर अपडेट्स असी तुहानूं नाल दी नाल दे रहे हैं। इन्हां दे वाइफ भी आ चुके नेगे, जसविंदर शर्मा जी, असी गल करांगे जी। जसविंदर शर्मा जी, अज तुहाडे वार्ड वासियां ने तुहाडे सिर जित दा सिरा पाया, की कहना चाहुंदे हो? मैं तां उन्हां दा बहुत बहुत धन्नवाद करना चाहुंदी हां, सारिआं दा बहुत बहुत थैंक यू जी। तां इन्हां उन्हां दे वाइफ सीगे दीपक शर्मा जी, जसविंदर जी, जो वार्ड नंबर 5 ओ कैंडीडेट सीगे। तां इदां दे होर अपडेट्स लई साडे नाल बने रहो, धन्नवाद। सति श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। वार्ड नंबर 6 दा जिहड़ा रिजल्ट है ओह आ चुके है, जिहदे विचों कमलजीत सिंह गुब्बी नूं 562 वोटां पईआं ने, जिहड़े कि 239 वोटां तों जेतू करार दित्ते गए ने कांग्रेस दे ने इह। ते जिवें ही होर वार्डां दा रिजल्ट आउंदा तुहानूं उदां ही अहमदगढ़ लाइव सब तों पहले दस्सिया जाएगा। धन्नवाद। सति श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। जिवें तुहानूं पता है कि इसे वेले असीं अहमदगढ़ दे गांधी स्कूल च मौजूद हाँ, हर वार्ड का तुहानूं अपडेट दे रहे हैं। जे गल की जाए वार्ड नंबर 7 की, उत्थों आम आदमी पार्टी तो आनंदी देवी जी जित चुके ने, जिन्हां नूं टोटल 340 वोटां पईआं ने और 71 वोटां ते जित हुए ने। इत्थे वड्डी गल है कि कांग्रेस और अकालियां दे जो खाते खुल चुके सी, इक वड्डी गल है कि MC दे इलैक्शन च आम आदमी पार्टी का भी वार्ड नंबर 7 तो खाता खुल चुक्या। जल्दी ही तुहानूं वार्ड नंबर 8 ते 9 की अपडेट दे दी जाएगी, अंदर काउंटिंग चल रही है। इदां दे होर अपडेट्स लई साडे नाल बने रहो, असीं अहमदगढ़ लाइव तो तुहानूं सब तो पहला MC दे इलैक्शनां दा रिजल्ट दे रहे हां। धन्नवाद। सति श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। ते वार्ड नंबर जिहड़ा 8 दा रिजल्ट है जिहड़ा आ चुके है, जिहदे विचों संजीव कुमार, संजय सूद, 449 वोटां पईआं ने ते 106 वोटां तों जिहड़े जेतू नेगे, इह आजाद उम्मीदवार दे तौर ते लड़े सीगे। ते तुहानूं दोबारा दस दईए, संजीव कुमार, संजय सूद, 449 वोटां जिन्हां नूं पईआं ने, 106 वोटां तों जेतू ने, आजाद उम्मीदवार सी। इदां दीआं होर अपडेट्स देखण लई देखदे रहो अहमदगढ़ लाइव। जिहदा जिहदा होर रिजल्ट आ रहे नेगे उदां ही तुहानूं दसदे रहांगे। जिहड़े वार्ड नंबर 9 दे कैंडीडेट ने उहनां नूं उप्पर बुला लिया गया काउंटिंग लई। धन्नवाद जी। सति श्री अकाल जी, तुसीं देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। वार्ड नंबर 9 ते वार्ड नंबर 10 दा जिहड़ा है रिजल्ट आ चुक्या। वार्ड नंबर 9 तों मुहम्मद असलम अफरीदी जी जिहड़े कि श्रोमणी अकाली दल दे कैंडीडेट सीगे, जिन्हां नूं 600 वोटां पईआं ने ते 280 वोटां तों इह जेतू नेगे। वार्ड नंबर 9 तों मुहम्मद असलम अफरीदी, जिन्हां नूं 600 वोटां पईआं ने ते 280 वोटां तों इह जेतू नेगे। वार्ड नंबर 10 तों जसविंदर सिंह सोढी जी, 399 वोटां इन्हां नूं पईआं ने, 70 वोटां तों इह जेतू नेगे।
वार्ड नंबर 10 तो मैं दोबारा दसदा जसविंदर सिंह सोढ़ी 399 इन्हां नूं वोटां पईआं ने ते 70 वोटां तो यह जेतू ने। होर इदां दीआं अपडेट्स लई देखदे रहो अहमदगढ़ लाइव ते जिदां ही तुहानूं मतलब अगले वार्ड नंबर 11 ते 12 दे कैंडीडेट ने जिन्हां नूं उपर बुला लिया गया है ते जिवें ही रिजल्ट आंदा है तुहानूं सब तो पहले अहमदगढ़ लाइव राही तुहानूं दस्सिया जाएगा। 11 ते 12 दा रिजल्ट जिहड़ा आ चुकिआ है। वार्ड नंबर 11 चों मनू राणी जिहड़े किसू थापर इंडियन नैशनल कांग्रेस तों 459 वोट इन्हां नूं पईआं ने ते 51 वोटां तों उह जीतू करार होए ने। वार्ड नंबर 11 तों मैं दोबारा दसदा अनू राणी किसू थापर दी पत्नी इंडियन नैशनल कांग्रेस तों कैंडीडेट सीगे जिन्हां नूं 459 वोटां पईआं ने ते 51 वोटां तों उह जीतू ने। ते वार्ड नंबर 12 चों आजाद उम्मीदवार विक्की जी जिन्हां नूं 360 वोटां पईआं ने ते इह 32 वोटां तों जीतू करार होए ने। वार्ड नंबर 12 चों विकास कृष्ण विक्की जी जिहड़े कि आजाद उम्मीदवार सीगे जिन्हां नूं 360 वोटां पईआं ने ते इह 32 वोटां तों जेतू करार होए ने। ते वार्ड नंबर 13 ते 14 दे कैंडीडेट नूं बुला लिया गया है, काउंटिंग चल रही है। वार्ड नंबर जदों भी वार्डां दी इहनां दी आंदी है कोई भी तां सब तों पहलां तुहानूं अहमदगढ़ लाइव ते दस्सिया जाएगा। धन्नवाद जी। सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। तुसी देख रहे हो अहमदगढ़ लाइव। वार्ड नंबर 13 दा रिजल्ट आ चुका है जिसते सारे शहर दी निगाह बनी हुई सी। गल की जाए वार्ड नंबर 13 तो शशि जोशी जी कांग्रेस तो जो कि शशि जोशी दे माता जी सी इन्हां नूं टोटल वोट हुई है 827 और जे इन्हां दी जे जित दी गल की जाए 382 वोटां ते इह जित्ते ने। वार्ड नंबर 13 ते सारे शहर की निगाह टिकी हुई थी। फाइनली वार्ड नंबर 13 का रिजल्ट आ चुका है जिथों की कांग्रेस के उम्मीदवार शशि जोशी जी जो कि ऋषि जोशी के माता जी सी जिन्हां नूं टोटल 827 वोटां पईआं ने 382 वोटां ते ओह जित्ते ने। बहुत वड्डी जित हुई है उन्होंने। किवें देखते हो जी वार्ड नंबर 13 की गल की जाए सारे शहर की निगाह टिकी हुई थी। साडे नाल सीनियर पत्रकार ने गल है जी इस ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਡ ਤੇ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੀ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪਰਮਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਫਾਈਨਲੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੀ ਫਾਈਨਲੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਤੋਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਅਪਡੇਟਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ 14 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਿੱਛੇ 16 ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਬਚੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 15 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 15 ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰਹ ਨੇਗੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮਤਲਬ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਲੋਨੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ 16 ਤੇ 17 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਤੂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਨੇਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ 737 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿੱਤ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੀ ਜਿੱਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 529 ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 529 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਇਹ ਲੀਡ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 14 ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਚ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 737 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇ, 529 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿੱਤੇ ਨੇਗੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 13 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਓਕੇ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਤੋਂ ਰਵਿੰਦਰ ਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਪਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 15 ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ
उन्होंने नाल हर दुख सुख दे विच और उन्हां दी हर सहूलत दे लई लड़ाई लड़दे रहांगे। जय हिंद। ओके रोल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਲਾਈਵ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੇ 17 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਵਿਕਾਸ ਟੰਡਨ ਵਿੱਕੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ 387 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 590 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 16 ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਟੰਡਨ ਵਿੱਕੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਗੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਲੜੇ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 590 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 387 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਚੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 398 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ 74 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 17 ਚੋਂ ਗੀਤਾ ਸ਼ਾਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, 398 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 74 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਓਕੇ।